अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे सबको। और जनाब मैं भी मौजूद हूँ अपनी अम्मा के घर पे, और बस उन्होंने जल्दी से फ़ोन करा कि आ जाना, तो मैंने कहा ठीक है बच्चों को छोड़ के ट्यूशन में आती हूँ। और उनका था आयत करीमा, तो मुझे फटाफट जाना पड़ा। और मैं वैसे बहुत कम ही जाती हूँ अपनी अम्मा के, तो यहाँ लगा हुआ दस्तखान आयत करीमा के बाद जो है दस्तखान लगा था। और अब ये सिर्फ मिठाई और केक और पटाखे ये सब चीज़ें घर में बनी हो, मेरी अम्मा ने बनाई है। ये आपको जो पकोड़े टाइप के नज़र आ रहे हैं वो पकोड़े नहीं है, एक गुलगुले टाइप की चीज़ थी बड़े मज़े के। और फ्रूट चाट और मोतिया जर्दा छोले ये तकरीबन मेरी सब अम्मा के हाथ का बना हुआ। अब उसके बाद जो आप वीडियो देखेंगे वो क्या है जनाब, ये आपको नज़र आ रहा है बिच्छू। बिच्छू जो है वो घर में आ गया था हमारे, और कैसे आया नहीं पता, कहाँ से आया ये नहीं पता। बस ये था हमारी टेरेस की दीवार पे, जहाँ से टेरेस हम लोग सब लोग जैसे झांकते हैं बाहर गली की तरफ देखते हैं, तो ये इस तरह यहाँ चिपका। तो इत्तेफाक से बच्चों की नज़र पड़ी और रात का टाइम था, तो हम सारे ही इसके पीछे लगे थे, बच्चे भी मैं और हस्बैंड, कि किसी तरीके से इसको या तो मार दें, या क्योंकि आपको पता है बिच्छू घर में आना कहते अच्छा नहीं होता, और ये वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं क्योंकि जहरीली चीज़ होती है ये है सांप। तो मैं और हस्बैंड हम लगे पड़े थे किसी तरीके से या तो इसको हम बंद करके कहीं दूर कहीं ऐसी जगह पर फेंक दें या मार दें, क्योंकि आपको पता है ये वैसे भी बहुत महंगा होता है और बहुत काम आता है, ये कैंसर वगैरह की दवाई में इस्तेमाल होता है इसका जहर। तो कोशिश हमने कहा कि चलो अच्छा है पकड़ लेते हैं, क्या पता कोई फ़ायदा हो जाए। मगर जब हमने पता करा तो मालूम हुआ कि ये है तो ब्लैक बिच्छू, ब्लैक ही था ये काफ़ी महंगा होता है, मगर इसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा था, और बड़े साइज़ पता नहीं कितने ग्राम का होता है तो ये बिक जाता है। तो यहाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ वाकई में कामयाब हो गए थे। इसने नचाया तो हमें बहुत बहुत नचाया, क्योंकि इसने वो नीचे खड़े हुए थे और मैं ऊपर टेरेस में थी, और तकरीबन हम कभी वो नीचे और कभी ऊपर आ रहा था, इसी तरीके से काफ़ी तकरीबन 15-20 मिनट हम लोगों खूब उसके पीछे पीछे रहे। मगर फाइनली ये फिर ऊपर आ गया, और जैसे ही ये ऊपर आया है हस्बैंड ने जब इसको भगाया, और जल्दी से मैंने टेरेस में इसको फेंक के गिरा के और इसको डब्बे में बंद करा, और बड़ी हिम्मत आ गई थी मेरे अंदर, और मैंने इसको डब्बे के अंदर बड़े और दो तीन दफ़ा ही बल्कि भागा भी, डब्बे से निकल के भी भाग रहा था। मगर बस उस टाइम हस्बैंड नीचे थे, और अगर हम इसको छोड़ते तो पता नहीं बहुत स्पीड से काफ़ी चल रहा, तो डेंजर यूँ था कि ज़ाहिर का खुदा ना खास्ता घर में कहीं घुसे तो हमारा पता ना चले, ज़ाहिर बच्चे सब नीचे बैठ भी जाते हैं, हम लोग लेट भी जाते हैं, तो नीचे सारी बैठक बनी हुई है बेडरूम में हमारे नीचे बैठने की। तो हम लगे पड़े हुए थे कि किसी तरीके से इसको अपनी आंखों के सामने या तो इसको कहीं दूर फेंक कर आ जाएं या मार दें हम। मगर फाइनली आखिरी हरबा यही था कि इसको बस, और जबकि हम जो थे देर हो रही थी, हमें जाना भी था कहीं, और इसके उसमें हमें टाइम ही नहीं पता चला, लेट भी हो गए थे जाते, तो फाइनली ये ऊपर आया है। ऊपर आने के बाद फिर मैंने इसको पकड़ ही लिया, और इसने जबकि नचाया बहुत, ये देखें भागम दौड़ी हो रही थी इसको पकड़ने में हमारी, इसने बहुत नचाया हमें, मगर हमने पकड़ लिया था। और पकड़ने के बाद जो है इसको फिर हम दूसरे दिन फेंक कर आ गए थे बिल्कुल आउटसाइड, मतलब ये जो नदी कहलाती है पानी, उस जगह पे हम इसको डाल कर आ गए थे। मगर बहुत मज़ा आया जब हमने पकड़ा, तो मैं मतलब मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि देखो कितने मज़े से मैंने इसको पकड़ लिया है। फिर हस्बैंड वगैरह हम लोग लेके रात को तो उसको रखा हमने ऐसी जगह पे, ताकि अल्लाह ना करे बच्चों का कभी हाथ लगे और गिरे बॉक्स तो ये बाहर निकल जाए। खैर, और थोड़े थोड़े क्लिप आपको मैं इस ब्लॉग में सारे दिखा रही हूँ और सब जगह को टूर करा रही हूँ। और अब हम निकल गए थे, हमने जाना था, तो प्यारे लग रहे हैं देखो, और ये बॉक्स है इसमें ना चीज़ें रखने के लिए, अच्छा पूरे उसके प्लास्टिक के बने हैं, प्लास्टिक के बने हैं, देखो कितने ज़बरदस्त आ गए और इतना खूबसूरत लग रहे हैं दूर से। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला अपनी ज़मान में रखे सबको। और हम आज मिल रहे हैं यहाँ कहाँ, मेट्रो में, और ये देखें जरा इनकी, इधर से खोल सकता है, ये सारी मस्तियाँ हो रही हैं मेट्रो के अंदर आके। चलो हटो भाई मैं आगे जाऊँ, यहाँ से पेंसिल ले लें, पेंसिल लो साहब, ये सबकी पूरा एक वो ले लो, ये है ना, मगर ये तो सिक्स का है, ये रहा वन पैक, ये रहा ना पूरा, बस ये रहा हो गया, ये रही, और रेजर का ले लो, ये लो ना उठाइए, एक मुझे ले लें, बिल्कुल भी इधर आओ जल्दी से,
और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल यादाश्त चली जाती चीज़ों को देख के, जो कि मैंने नहीं लेनी है कोई भी फालतू चीज़ें, सिर्फ जो मैं एक्स्ट्रा नहीं लेती एक इकट्ठा, हाँ ये ले लेती हूँ कि रेज़र और पेंसिल जो है वो बच्चों के काम आती हैं तो वो एक इकट्ठा ले तो काफ़ी चलती रहती है। सिर्फ रेज़र ले लो, ये रेज़र है हाँ जी, तो मुझे अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मैं साफ नहीं। साविया ये शॉर्पनर भी लो, शॉर्पनर शॉर्पनर ले लो और रेज़र लो, रेज़र का रेज़र के पैक ये रेज़र का कितने का मिला? अच्छा ये 100 में मिले, कितने दिखाना? ये है 100 में मिले हैं और ये 6 और रेज़र ये सारे ही है ना रेज़र? ये 172 पेंसिल्स हैं, 172 और रेज़र ये है ना बस ये रही, ये बस ये 80 की हैं रेज़र, ये भी सारी 80 की। चलो आ जाओ, तो आ जाओ स्टेशनरी डॉक्टर भी चल सकता है। तो जनाब हमारे साथ साथ रहिएगा, अभी हम आपको दिखाते रहेंगे। कुछ कुछ चीज़ें मुझे स्पेशली लेनी थी और मैं बड़ा ढूंढ रही थी और नहीं मिल रही थी, वो मुझे यहाँ भी नहीं मिली और अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, या तो हाइपर स्टार में मिलेंगी अब वहाँ का विज़िट होगा। और वो ज़रूरी चीज़ें मेरे हस्बैंड के कपड़ों के लिए क्लफ स्प्रे, और वो बहुत शॉर्ट हुआ हुआ है और अगर मिल भी रहा है बहुत अवल तो मिल ही नहीं रहा, और लास्ट टाइम अभी मिल भी गया था मुझे अपने सोसाइटी के शॉप से तो तकरीबन जो कि वो एक 140-130 का मिला था, और अब उसकी कीमत जो है पता है वो हो गई है 360 या 350 इस तरह का मिला, बहुत कॉस्ट बढ़ गई है। इसके रेट नहीं लिखे हैं ना, ये पूछो इनके बैठे हैं ना। और ये आ गई है फिश। फिश तो आपको पता है हम लोग खाते हैं ज़्यादातर, अपने हस्बैंड जो हमारे शिकार करके लाते हैं वो खाते हैं, यहाँ से फ़िश हम देख रहे थे, बड़ी प्यारी प्यारी फ़िश आई हुई थी फ्रेश थी, मगर घर पे अभी भी मेरे पास रखी हुई है तो ज़रूरत नहीं है लेने की। और अभी बस तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ख़रीदारी हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है बस वो करके फिर हम निकलेंगे यहाँ से। और बिल्कुल भी नहीं देख कर, बिल्कुल भी नहीं चॉकलेट नहीं खाते हैं, दांत में जो है ना कीड़ा लग जाएगा आपके सही का। खाली हो गई है क्यों? क्योंकि हम शॉपर में अरे भूल गए, यहाँ तो हम वो भी नहीं लाए बैग, नहीं लाए शॉपिंग का, ये तो देंगे भी नहीं ये लोग, अब शॉपर में देते नहीं चढ़ा मजे देखा क्या चीज है। अच्छा शहर, चलो तो जनाब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। यहाँ ब्लॉग आपको कैसा लगा वो बताइएगा कमेंट्स में, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत हल्की आवाज़ आ रही है, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस क्योंकि हमारी शॉपिंग हो गई।